भारत बंद में आज कई बैंक यूनियन भी शामिल है। आज एटीएम में कैश की कमी भी हो सकती है। हड़ताल की वजह से बैंक से निकासी, जमा, चेक, क्लियरिंग जैसे काम नहीं होंगे। बंद केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है, खासकर लेबर लॉ के विरोध में। लेफ्ट दल भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं पर 60 छात्र संगठन और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने भी हड़ताल का हिस्सा बनने का फैसला लिया है। शिक्षा संस्थान फीस बढ़ोतरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण का विरोध करेंगे। ट्रेड यूनियन ने जेएनयू हिंसा में छात्रों का साथ देने का फैसला कर लिया है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अंकित तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, 10 ट्रेड यूनियंस की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया है, ऐसे में किस तरह की परेशानी आज राजस्थान में देखने को मिलने वाली है तमाम लोगों को? देखिए, केंद्र का बजट आने जा रहा है और उससे ठीक पहले सभी जो केंद्रीय यूनियंस हैं वो अपनी मांगों को प्रमुखता से रखने के लिए और मांगें मनवाने के लिए एक दबाव समूह क्रिएट करती रही हैं। ऐसे को लेकर आज जो है पूरे देश भर में एक प्रदर्शन है और दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन है, जिनमें पूरे सभी राज्यों के जो लोग हैं विभिन्न संगठनों के वो भाग ले रहे हैं। इससे ठीक पहले एक खबर यह भी आई कि भारतीय मजदूर संघ, जो कि भाजपा समर्थित माना जाता है, उसने हड़ताल से बाहर रहने की बात की है। असर की अगर हम बात करें तो आज बैंकिंग सेवाओं पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि श्रम नीति और निजीकरण के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से सभी जो बैंकों में कामकाज ठप रहने की आशंका है। 5 बैंक कर्मी जो संगठन है उन्होंने बैंक हड़ताल की घोषणा की है। ऐसे में सरकारी बैंकों पर ज्यादा असर पड़ेगा और हालांकि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन राजस्थान की बात करें तो सरकारी बैंकों की करीब 2500 शाखाओं में कामकाज ठप रह सकता है। प्रदेश में हड़ताल में करीब 35,000 बैंक कर्मी हिस्सा लेंगे। रिजर्व बैंक कर्मी भी हड़ताल में साथ आएंगे। शहीद स्मारक पर जयपुर में बड़ा प्रदर्शन भी होगा। इसके अलावा जो मोबाइल ट्रेडर्स हैं उन्होंने ऑनलाइन कारोबार के लिए अपनी जो है विरोध दर्ज कराने के लिए बंद रखने की घोषणा की है। इसके अलावा आयकर कर्मी है, कस्टम कर्मी है, वो भी आज हड़ताल पर रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर, उनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं जिनमें अधिकतर जो कर्मचारी संगठन है उनकी मांग है कि वेतन समझौते को माना जाए, वेतन मान में सुधार किया जाए, पेंशन नियमों को लेकर किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भारत बंद है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से बड़ा असर बैंकिंग सेवाओं पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। आम लोग यहां पर जरूरी काम के लिए जो कि बैंक पहुंचने वाले हैं, ऐसे में परेशान होते हुए नजर आएंगे। जैसे में आपने जानकारी भी दी अंकित की, कुछ ही समय में यहां प्रदर्शन भी किया जाएगा शहीद स्मारक पर जयपुर में। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे, अलग अलग ट्रेड यूनियन से जुड़े।